कौन है हमारा दुश्मन बताओ। मां पारा, और कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? लेकिन कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ पारा ये सब करने का सोच भी नहीं सकती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो बार बार हॉस्पिटल क्यों आ रही थी? माँ पारा हॉस्पिटल आई थी? मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर मेरी भतीजे के किडनैप होने में तुम्हारा कोई हाथ है तो मुझे सीधी तरह बता दो, वरना इसके नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। उसके पास बहुत से रीजंस हैं तुम्हें बर्बाद करने के। कौन से रीजन? उसके बाप की मौत, उसकी बदनामी, उसका बेघर होना, सब कुछ। तो खुदा का शुक्र है कि वो लड़की शरीफ है। अगर वैसी होती ना जैसे तुमने उसको जाहिर किया, तो आज वो अपनी इज्जत बचाने के बजाय सुहेल को काबू में करके बैठी होती।